गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं बच्चों? आपको जो दिया जाता है क्लास वर्क होमवर्क, आप कर रहे हैं ना बच्चों? आप लोग अपना होमवर्क कंप्लीट किया कीजिएगा, ठीक है बच्चों? क्लास टू विषय हिंदी, डेट 24 जून। बच्चों हमने पढ़ा था गाँव का एसी, आज हम लोग उसका शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है बच्चों? उसका शब्दार्थ है एसी। एसी का मतलब एयर कंडीशनर। टहनियाँ, टहनियाँ का मतलब डालियाँ। इंतजार, इंतजार का मतलब होता है प्रतीक्षा। प्रसन्न, प्रसन्न मतलब खुश। नाश्ता, नाश्ता मतलब सुबह जो हम खाते हैं, सुबह का जो भोजन होता है उसे हम नाश्ता बोलते हैं। स्त्रियाँ, स्त्रियाँ को औरत बोलते हैं, औरतें। यहाँ पे स्त्रियाँ, स्त्रियाँ मतलब बहुत सारी औरतें, तो औरतें यहाँ पे इसका वर्ड मीनिंग है, ठीक है बच्चों? और यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर मैंने कौन नंबर लिखा है, सौरभ ने गांव में क्या क्या देखा, आपको उत्तर लिखना है। सौरभ ने गांव में हरे हरे लहलहाते खेत, शीशम के पेड़ की छाया में कुम्हार को मिट्टी के बर्तन बनाते और स्त्रियों को कुएं में पानी भरते तथा बच्चों को पेड़ों की टहनियों पर झूला झूलते देखा। ये आपको क्वेश्चन आंसर याद करना है बच्चों, और ये शब्दार्थ आपको याद करना है, उसे लिखना है, ठीक है बच्चों? आप लोग इसे याद करेंगे और इसे लिखेंगे, आगे मैं आपको कल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है बच्चों? थैंक यू बच्चों।